इस कलयुग में भक्ति की शक्ति देखने को मिली है, जहां माताजी की जोत लेकर कड़कड़ाती धूप, बिजली और बारिश में सेगांव मुख्यालय पर करीब 15 दिनों से पावागढ़ पैदल आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला चल रहा है। पावागढ़ से माता रानी की जोत लेकर आ रहे श्रद्धालु माताजी मंदिर में दर्शन कर रात्रि विश्राम करते हैं और फिर अल सुबह माता के दरबार अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए भक्तों का पैदल नंगे पैर काफिला चल पड़ता है। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु माता की जोत लेकर आ रहे हैं, जिनमें टिमरनी, बमनाला, भिकनगांव और खरगोन के श्रद्धालु शामिल हैं। बमनाला के राजकुमार मौर्य ने बताया कि यह यात्रा 15 वर्षों से हमारे ग्राम के रहवासियों द्वारा लगातार निकाली जा रही है। यह यात्रा का उद्देश्य देश व प्रदेश व गांव की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए यह यात्रा निकालते हैं और माता रानी के मंदिर से जोत जलाकर अपने गाँव में माता रानी के बने पांडालों में जोत का पूजन अर्चन कर स्थापना करते हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कहाँ से निकाली गई ये कावड़ यात्रा? पावागढ़ से त्रिकोण लंबी। कितने किलोमीटर की ये कावड़ यात्रा है? ये 325 किलोमीटर। कितने दिनों में ये कावड़ यात्रा पूरी की जाएगी? ये हम घर चले जाते हैं 10 रोज में। क्या शुभ नाम लिखते हैं? राजकुमार मौर्य। पैदल यात्रा कहाँ से निकाली गई? ये पैदल यात्रा माँ पावागढ़ वाली मतलब पावागढ़ से निकाली गई है और इसकी ये है कि इसको पैदल लाते हैं भक्त लोग और अपने गांव तक ले जाते हैं। कौन से गांव से ये यात्रा है? ये यात्रा अलग अलग गांव से है, अपने गांव में ले जाते हैं नवरात्रि के लिए। क्या उद्देश्य के साथ आपने ये यात्रा निकाली? ये हमारा ये उद्देश्य है कि इसको ले जाने से गांव में रखने से सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। क्या नाम लिखता? मेरा नाम मोहन यादव लिखता हूँ और मैं खाला रहता हूँ। पैदल यात्रा कहाँ से निकाली गई? ये पैदल यात्रा अपने निकाली है। ये पैदल यात्रा कितने किलोमीटर की आपने तय की? 350। क्या उद्देश्य के साथ आपने ये पैदल यात्रा निकाली? ये भैया सब भक्त लोग जाते हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना जाऊं पैदल यात्रा और भक्ति जगाऊं माता जी को, इसीलिए मैंने ये उद्देश्य से निकाली कि अपने गांव से भी ले जाऊंगा। ये पैदल यात्रा तय करने में आपको कुछ कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है? हाँ सर, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पर माता जी कृपा रहती है कि थोड़ा से चलते हैं। कुछ समस्याएँ आती है क्या? यही अपने शरीर को समस्या रहती है, दूसरी तो कुछ भी नहीं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? राजेश कारझरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।